हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका सोहल फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव। टुडे वी विल बी डूइंग द फिफ्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर। यस, एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का जो एक कंबल जैसा बना हुआ है उसको एटमॉस्फेयर बनते हैं अर्थ के ऊपर। द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होल्ड्स द एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट। अदर प्लैनेट्स एंड मून्स हैव लिटिल और नो एटमॉस्फेयर एट ऑल। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं ना, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ में ही ये ग्रेविटेशनल पुल है जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके पकड़ के रखता है। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स द गैसेस दैट आर नेसेसरी फॉर आर सर्वाइवल एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेयर जो है ना, ये बहुत सारी गैसेस को अपने को देता है जो अपन के लिए सर्वाइव करके, मतलब अपन यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अपन जी सकते हैं यहाँ पर अर्थ पर। एंड और अपने को हार्मफुल रेज जो है ना सन की, उससे भी अपने को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर फॉर आर कम्फर्ट। द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ इट्स मासेस। एट द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। एज वी एंटर स्पेस वी विल फाइंड द एब्सेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर। जैसे ही अपन स्पेस में जाएंगे आपको कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। और अपन जब नीचे से लाइक सी लेवल से जब अपन हाइट की तरफ जाओ, ऊपर ऊपर जाते हैं ना पहाड़ी इलाके में, तो अपन को एटमॉस्फेयर एकदम वहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। वहाँ पर हवा का भी वो कम होता है दबाव। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है? अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैसेस फॉर्म द एटमॉस्फेयर। कलर नहीं होता एटमॉस्फेयर का, टेस्ट भी नहीं होता और कोई स्मेल नहीं होती, कोई ना खुशबू होती है ना कोई डर्टी स्मेल होती। तो जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका कोई कलर नहीं होता, नो टेस्ट और नो स्मेल। सो गैसेस फॉर्म द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन अबाउट 78%। अपने जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन है 21% एंड मेन गैसेस प्रेजेंट इन इट। दीज आर द मेन गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज लाइक आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड इन द ट्रेसेज इन एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये इसका तो बस बहुत छोटा सा पार्ट है। सो दिस वे द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज डन। नाउ योर अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर। जॉन डेल्टन, अ फेमस ब्रिटिश वेदर पायनियर, यूज होममेड इंस्ट्रूमेंट्स टू रिकॉर्ड वेदर ऑब्जर्वेशन इन 1787। ही कुड स्टडी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड विंड थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था ना, जो जॉन डेल्टन ने बनाया था, इससे वो स्टडी करते थे वेदर को, एटमॉस्फेयर को एंड ह्यूमिडिटी। एंड देन सी फिजिकल मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन रेदर दैन बिग स्पेसिफिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। जेल्सन्स लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1803। इट स्टेज इन द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज सच एज एयर, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैस इज इक्वल टोटल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेशर दैट द गैस वुड एक्सर्ट, इट इज द ओनली गैस प्रेजेंट। नाउ ये वाले जो डेल्टन का लॉ है फॉर्मुलेशन, दैट यू हैव टू जस्ट रीड इट रफली टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट वी विल सी now what are the importance of atmospheric gases. Nitrogen is the most widely prevalent gas in the atmosphere and needed by plants for the growth. Plants ki growth karne ke liye apan ko ye nitrogen gas chahiye. And then oxygen is essential for the survival of all living creatures. Apan sab jo living creatures hai unke liye apan ko oxygen chahiye. Humans and animals breathe in oxygen and plants give it out during photosynthesis. Carbon dioxide is important because it absorbs the heat given out from the surface of the earth and keeps it warm. Carbon dioxide kyon chahiye? जब सरफेस में जो हीट रिलीज होती है उसको वार्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है। थस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स यूज करते हैं ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस। जब वो फोटोसिंथेसिस क्या है, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, कब? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके हीट को और टेम्परेचर को रेज कर देता है अर्थ के सरफेस पे, उसको और ज़्यादा भेज देता है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नाउ यर वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ये जो एग्जॉस्फियर कितनी है?
1, 2, 3, 4, and 5. Now, what is troposphere? Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. Extends to the height of about 10 kilometers from the ground, above about 6 kilometers from the poles, and 16 kilometers from the equator. All the elements of weather like cloud, rainfall, fog, and dew are found in this layer. इस layer में आपको क्या मिलेगा? Clouds मिलेंगे, rainfall मिलेगा, fog मिलेगा, and dew. As the altitude increases, the temperature of the air decreases at the rate of 1 degree centigrade for every 165 meter in this layer. This is called normal lapse rate. Now, the troposphere is the densest part of the atmosphere. It prevents the Earth's surface from getting very hot during the day and very cold during the night by absorbing the heat radiation by it. The boundary between the troposphere and the stratosphere is called tropopause. The temperature stops decreasing here. Temperature जो है यहाँ पर रुक जाता है, decrease नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं है. So this is the कम नहीं होता, temperature decrease नहीं होता, यानी कि कम नहीं होता इस वाली position पर tropopause में. And stratosphere is the layer above the troposphere. It extends to about 50 kilometers above the Earth's surface. The temperature in the lower layer of the stratosphere starts constant. As the altitude increases in the troposphere, stratosphere, the temperature also increases. As such, this layer is warm with hardly any dust, water vapor and clouds. यहाँ पर आपको कोई भी dust, water vapor और cloud नहीं मिलेगा इस वाली layer में. Ozone gas is found in high concentration in the lower part of the stratosphere and therefore this layer is known as ozone sphere भी बोला जाता है stratosphere को. Ozone absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun and protect us from radiation. Ozone का क्या काम होता है? Sun की जो harmful rays पड़ती है ना, उसको protect करता है, उसको वो रोक देता है, protects from the radiation. This is the work of the ozone layer. So here in stratosphere you will find the ozone layer also. Now mesosphere. Mesosphere is a layer above the stratosphere. Stratosphere के जो ऊपर वाली layer होती है उसको mesosphere बोलते हैं. It extends to the height of about 85 kilometers above the Earth's surface. Temperature decreases with the increase in altitude in this layer. Temperature क्या होता है? यहाँ पर decrease हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है. जैसे अपन ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे वो कम होता जाता है. It is the coldest layer of the atmosphere. ये सबसे ठंडी layer होती है mesosphere. अर्थ की द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम मेसोस्फीयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपॉज. जो छोटी सी जो बाउंड्री जो इनको सेपरेट करती है उसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं. मीटियोर्स फ्रॉम आउटर स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एटमोसफियर. यहाँ पर जो है मीटियोर्स है ना, जो फ्रिक्शन से बर्न हो जाते हैं. थर्मोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर लाइज अबव द मेसोस्फीयर. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर्स टू 450 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फेस. द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर. द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपॉज. इसको मेसोपॉज बोलते हैं. दिस लेयर इज वेरी हॉट विद द टेम्परेचर रीचिंग अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड. द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयोन्स. Thus it is called ionosphere. Radio signals transmitted from earth are sent back to the earth through this layer. Hence it helps in long distance wireless and satellite communication. यहाँ से जो long distance wireless and satellite communication है वो इस वाली layer से होता है, यानी कि thermosphere से. Now comes the exosphere. Outmost और आउटरमोस्ट अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड द एग्जॉस्फियर. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ सर्फेस की, उसको एग्जॉस्फियर बोलते हैं. द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन बी एज हाई एज 5500 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस लेयर मर्जेस विद द आउटर स्पेस. इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर. ओनली अ फ्यू ट्रेसेस ऑफ लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हेलियम आर सीन इन दिस लेयर. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लाइट गैसेस मिलेंगी जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम है. जो अपर वाली जो लेयर है उसमें आपको ये वाली चीज़ मिलेगी. नाउ जस्ट गो रीड दिस चैप्टर इन अ प्रॉपर वे एंड अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.